वैक्सीन के बारे में भी बहुत से लोगों में थोड़ा सा ये भ्रम है कि अभी कल कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं, तो उससे चेंज होने से क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आया है गाइडलाइंस बदलने के बारे में, उनमें जो 8 पॉइंट्स हैं उसको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप ये कि अब तक हम लोग कहते थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, इन 3 ग्रुप्स को वैक्सीन नहीं लगनी है। तो कल की गाइडलाइंस में लैक्टेटिंग मदर्स को इस ग्रुप से निकाल दिया गया है, यानी आज से जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, वो वैक्सीन ले सकती हैं। पहला चेंज तो ये है। दूसरा था कि अगर किसी को कोविड हो चुका है और उसको डोज वैक्सीन लगवानी है, पहली डोज या सेकेंड डोज, या उसने एक डोज लगवा ली है और उसको सेकेंड डोज लगवानी है, तो कोविड और वैक्सीनेशन की डोज का गैप क्या होना चाहिए, जो अब तक हम 4 से 6 हफ्ते का कह रहे थे गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, तो उसको कल 3 महीना कर दिया गया। यानी अगर आपको कोविड हुआ और आपको पहली डोज लगवानी है, 3 महीने बाद लगाइए। पहली डोज के बाद कोविड हो गया, सेकेंड डोज लगवानी है, 3 महीने के बाद लगवाइए। और अगर आपने कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा लिया है तो उसके भी 3 महीने के बाद लगवाइए। और अगर आपको कोई दूसरा इंफेक्शन है सिवियर, जिसके लिए आपको अस्पताल में या आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है, तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये तो था सेकेंड ग्रुप जिसमें चेंजेस आए हैं। और एक और उन्होंने चीज क्लैरिफाई कर दी है कि कोई ब्लड डोनेशन कब कर सकता है। तो अगर आपको कोविड हुआ है तो आप आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के 2 हफ्ते के बाद अगर चाहें तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जिसकी कुछ मॉडिफिकेशंस कल आई हैं, बाकी सब कुछ जो जो इंडिकेशंस वगैरह थे वो सब वैसे के वैसे ही हैं।